वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है सिस्टर निवेदिता द्वारा लिखा गया चैप्टर द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। इससे पहले कि हम लोग लेसन की तरफ जाएं, हम लोग उससे पहले थोड़ा सा सिस्टर निवेदिता के बारे में जान लेते हैं कि वो कौन थी, क्या उनकी रचनाओं की टाइप थी। सिस्टर निवेदिता बॉर्न मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल 28 अक्टूबर 1867 to 13 अक्टूबर 1911, तो ये उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ है। वाज एन आयरिश टीचर, आयरिश टीचर, वो एक आयरिश टीचर थी, ऑथर राइटर भी थी, सोशल एक्टिविस्ट, समाजी सेवी भी थी, स्कूल फाउंडर एंड डिसिपल ऑफ स्वामी विवेकानंद, स्कूल बनाने वाली भी थी और स्वामी विवेकानंद की एक अनुयायी थी। शी स्पेंड हर चाइल्डहुड एंड अर्ली यूथ इन आयरलैंड, उसने अपनी ज़िंदगी का स्टार्टिंग वाला हिस्सा, बचपन और जो जवानी का मुडला हिस्सा था, वो आयरलैंड में ही गुजारा। फ्रॉम हर फादर ए कॉलेज प्रोफेसर, शी लर्न द आइडियल और सर्विस टू मैनकाइंड एज ट्रू सर्विस टू गॉड। उनके फादर जो कि एक कॉलेज के प्रोफेसर थे, उसने ये सीखा कि समाज की सेवा करना ही भगवान की असली सेवा करने के बराबर है, और उसके बाद उसने कोशिश की कि वो अपने कामों के ज़रिए समाज की सेवा कर सके। शी वर्कड एज अ स्कूल टीचर, उस एक स्कूल टीचर के तौर पर उसने काम किया, और लेटर ऑल्सो ओपन अ स्कूल, और बाद में उसने एक स्कूल भी ओपन किया। तो ये था हम लोगों ने थोड़ा सा राइटर के बारे में, दैट इज़ सिस्टर निवेदिता के बारे में जाना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, सिस्टर निवेदिता द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य कौन थे? विक्रमादित्य को लगभग हम सब लोग, भारतीय समाज के सब लोग जानते हैं, और आज भी हिंदू कैलेंडर जो है वो विक्रमादित्य के नाम से ही जाना जाता है, या डेट के पीछे विक्रमादित्य ही लिखा जाता है। इसी चीज़ से हम लोग उस किंग की ग्रेटनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मरने के इतने 100 सालों बाद भी उसकी रेपुटेशन जो है वो लोअर नहीं हुई। और इस लेसन के अंदर बेसिकली उसकी जजमेंट की क्वालिटी प्लस हम लोगों की इनोसेंस और प्योरिटी को थ्रू आउट लाइफ मेंटेन रखना, इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर जो स्ट्रेस दी गई है। द स्टोरी ब्रिंग्स आउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ इनोसेंस, प्योरिटी एंड चैरिटी। स्टोरी तीन चीज़ों को लेके आती है कि जो मासूमियत, जो शुद्धता और जो दूसरों की मदद करने की भावना हमारे अंदर बचपन में होती है, उसी चीज़ के ऊपर जोर दिया गया, और इस चीज़ के ऊपर भी स्ट्रेस दिया है कि ये तीनों क्वालिटीज़ हम लोगों को थ्रू आउट लाइफ मेंटेन रखनी है अपने अंदर। अदरवाइज है क्या, हम लोग अपने अंदर इन क्वालिटीज़ को मेंटेन नहीं रख पाते, ये क्वालिटीज़ जो हैं वो हमारे अंदर से ख़त्म हो जाती हैं जैसे जैसे हम लोग अपनी लाइफ के अगले पड़ाव में जाते जाते हैं। टेक्स अस बैक टू द पेजेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ किंग विक्रमादित्य, वो बिकेम द किंग ऑफ मालवा इन द 157 BC। ये कहानी हम लोगों को किंग विक्रमादित्य के इतिहास में ले जाती है, जो कि 57 BC में मालवा का राजा हुआ करता था। द स्टोरी टेल्स अस अबाउट द प्राइड लाइफ ऑफ द ग्रेट किंग विक्रमादित्य। कहानी हम लोगों को विक्रमादित्य के राजा होने की ग्रेटनेस, उसकी क्वालिटीज़ के ऊपर स्ट्रेस देती है, बताती है कि कितना महान राजा था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जजेज इन इंडियन हिस्ट्री। ये माना जाता है कि उसके जैसा जज, क्योंकि पहले राजा ही न्याय करते थे, वही न्यायाधीश होते थे, तो इसके जैसा जो न्यायाधीश है वो भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। पीपल इन हिज किंगडम ऑलमोस्ट वर्शिप्ड हिम, ही नेवर पनिश्ड एन इनोसेंट मैन एंड गिल्टी ट्रेम्बल्ड बिफोर हिम। उसकी इसी महानता का कारण था कि लगभग उसके राज्य में सब लोग उसकी पूजा करते थे, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसके हाथ से कोई गलत फैसला हो, किसी मासूम इंसान को उसने सजा दी हो। उसके इसी क्वालिटी के कारण जो गुनाहगार थे उसके सामने आते ही वो लोग कांपना शुरू कर देते थे।
ही ऑलवेज लिसन टू द वॉइस ऑफ कंसाइंस विच ही कंसिडर्ड द वॉइस ऑफ गॉड. वो हमेशा अपने मंत्र आत्मा की आवाज़ को सुनता था और वो ये मानता था कि वो भगवान की आवाज़ है और वो आवाज़ कभी भी उसे गलत फैसला नहीं लेने देगी. द स्टोरी बिगेंस विद द चांस डिस्कवरी ऑफ अ माउंड बाय शेफर्ड. कहानी की शुरुआत होती है कि खेलते खेलते जो चरवाहे थे उनको एक पत्थर जो है वो मिल जाता है जिसको वो सिंहासन बना लेते हैं और वहाँ पे बैठ के वो राजा और प्रजा खेलते हैं. वन ऑफ द शेफर्ड हैपन्स टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य. हिज बिहेवियर चेंज एंड ही स्टार्टेड प्रोनाउंसिंग जजमेंट टू द केसेस कनकोटेड बाय द अदर वॉइस. और ये जो पत्थर था बेसिकली क्या माना जाता है इस लेसन के अकॉर्डिंगली कि ये जो पत्थर है ये विक्रमादित्य की सीट थी. यहाँ पे कभी विक्रमादित्य का महल हुआ करता था और विक्रमादित्य शायद उस सिंहासन पे बैठ के जो जजमेंट दिया करते थे और उस सिंहासन पे उस पत्थर पे बैठते ही उस उन चरवाहों में से एक चरवाहा जो था वो जज बन जाता था और उसके ऊपर बैठते ही उसके बोलने का उसके बात करने का जो ढंग था वो बदल जाता था. वो बड़े ही ध्यान से जो बच्चे मिलके झूठा केस बनाते थे बच्चे उन झूठा केस बनाते थे वो उसको बड़े ही ध्यान से सुनता था और बड़े ही अच्छे ढंग से उनकी जो जजमेंट भी देता था. और कभी भी जो भी केस उसके सामने मनगढ़ंत केस बना के बच्चे लाते थे उसके सामने लड़के उनका कभी भी वो भी गलत फैसला नहीं देता था. द मिथिकल जजमेंट सीट टू द केसेस कनकोटेड बाय द अदर द मिथिकल जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज अनअर्थड अंडर दिस माउंड. इट वाज अ स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल सपोर्टेड ऑन द हैंड्स बाय 25 स्टोन एंजल विद आउटस्प्रेड विंग्स. वो एक्चुअली में वो मिथिहासिक पत्थर जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य था क्या. जब उसको उखाड़ा गया तो उसके नीचे से एक ब्लैक मार्बल की बनी हुई स्लैब निकली जिसको पांचों हर एक तरफ से 25 स्टोन एंजल्स ने पकड़ा हुआ था. द किंग ऑफ उज्जैन ब्रॉट इट टू हिज कोर्ट एंड विश्ड टू सिट ऑन इट. हाउएवर ही वाज क्वेश्चन्ड बाय द स्टोन एंजल एंड वाज आस्क्ड टू प्यूरिफाई हिज विल. ही कुड नॉट सिट ऑन द सीट. इसी लालच में उस समय का उज्जैन के राजा ने उस सीट को अपने महल में लगाया कि वो उसके ऊपर बैठ के एक बेहतर जज बन सकेगा. बट जब भी वो सीट के ऊपर बैठने लगा उस पत्थर के साथ लगी हुई स्टोन एंजल्स ने उसको अपनी आत्मा को प्योरीफाई करने के लिए कहा और इस प्रकार से वो हर एक एंजल जो है वो उड़ती चली गई और अंत में वो उस सीट के ऊपर नहीं बैठ पाया. तो ये थी एक शॉर्ट समरी. अब आप लोगों को आगे जाके डिटेल में बताते हैं कैसे कैसे इंसिडेंट हिस्ट्री में इस लेसन में आते हैं ये सारे इंसिडेंट. वी आर ऑल फेमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य. ही इज रायन हैज़ बीन अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ अवर कंट्री. द विक्रम संबत ओज इट्स ओरिजिन टू हिम. ऑल्दो हिज नेम इज़ सो फेमस इट इज़ स्ट्रेंज दैट वी हार्डली नो एनीथिंग डेफिनेट अबाउट हिज लाइफ. तो वो कहते हैं कि लगभग विक्रमादित्य के बारे में भारतीय समाज में हर शख्स जानता है. यहाँ तक कि इतने सालों बाद भी हिंदू कैलेंडर जो है वो विक्रम संवत के नाम से ही जाना जाता है. हम सब लोगों को उसके नाम का पता होने के बावजूद भी हम लोगों को विक्रमादित्य की लाइफ की डेफिनेट कहानी नहीं पता उसके इंसिडेंट नहीं पता. देयर इज़ वन थिंग सर्टन अबाउट हिम. हाउएवर ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग. ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल एंड गैदर्ड लर्न मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट. इट इज़ सेड दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन द हिस्ट्री. बट उसके बारे में एक चीज़ बड़ी ही प्रचलित थी और लगभग हम सब लोग जानते हैं कि उसके जैसा न्याय देने वाला जज जो है वो भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ. उसने कभी भी उसके पास जो केस लाए थे कभी किसी की गलत जजमेंट नहीं दी. बड़े ही धैर्य और बड़े ही कुशलता के साथ वो लोगों के केसेस को सुनता और बड़े ही कुशलता के साथ वो उनको न्याय प्रदान करता था. और इसीलिए ये माना जाता है कि उसके जैसा जो जज था उसके जैसा जो न्यायाधीश था राजा था वो भारत के इतिहास में उसके बाद कभी भी नहीं हुआ. विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड नॉट डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन. द गिल्टी ट्रेम्बल्ड वैन दे केम बिफोर हिम फॉर दे न्यू दैट हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट इन टू देयर गिल्ट एंड दोज हु कम टू हिम विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम वर ऑलवेज सेटिस्फाइड by the way he solved them. And so in India after him whenever any other judge pronounced judgment with great skill it was said of him, ah, he
ही मस्ट हैव सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। कभी भी उसको झूठे गवाहों झूठे सबूतों के साथ जो मुजरिम था धोखा नहीं दे पाया, कभी भी उसने किसी गलत इंसान को सज़ा नहीं दी, और कभी भी जो गलत लोग थे उसको धोखा देने में कामयाब नहीं हुए। उनको पता था कि विक्रमादित्य की क्वालिटी ऐसी है कि वो उनकी चलाकियों में से असलियत को जान लेगा, और जो भी लोग उसके पास अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स अलग अलग उलझनों को लेके आते वो उनको पूर्ण तरीके से संतुष्ट करके भेजता। और दूसरे शब्दों में ये कहना गलत नहीं होगा कि वो हर एक को सही जजमेंट दे के भेजता था। और इसीलिए उसके बाद भी विक्रमादित्य के बाद भी जब किसी न्यायाधीश ने बड़ी ही कुशलता के साथ किसी केस का न्याय किया तो अक्सर ये कहा जाता था कि वो जरूर विक्रमादित्य के सीट के ऊपर बैठा था। यानी कि विक्रमादित्य न्याय की एक मूर्त बन चुका था और वो एक एग्जांपल बन चुका था आने वाली पीढ़ियों के लिए। ही हैज़ एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य? परहैप्स नॉट, बिकॉज ही डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। आई एम गोइंग टू टेल हाउ इट डिसअपीयर्ड। क्या कभी किसी ने जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य को देखा है? तो आंसर होगा शायद हम लोगों में से किसी ने नहीं देखा। तो राइटर यही कह रहा है कि वो जजमेंट सीट इसलिए नहीं देखी हम लोगों ने किसी ने क्योंकि वो अब पृथ्वी पे एग्जिस्ट नहीं करती। और वो किस तरीके से इस पृथ्वी से आलोप हुई है वो इस कहानी में राइटर बड़े ही बाखूबी ढंग से हमें बता रही हैं। After the death of Vikramaditya, the people of Ujjain, in due course of time, forget him, his place and his fortress were ruined. The heaped up ruins have been covered with grass, dust and trees and were turned into pasture for feeding the cattle. तो उसके death के बाद समय के साथ लोग भूल चुके थे कि उज्जैन में कभी विक्रमादित्य का नाम का राजा भी होता था। समय कई सालों के गुजर जाने के कारण उसका महल, उसके जो राज्य था वो मिट्टी में मिल चुका था, वो बर्बाद हो चुके थे। अब वहाँ पे जहाँ पे उसका महल था वहाँ पे घास फूस मिट्टी और पेड़ पौधे थे, जहाँ पर अक्सर जो चरवाहे थे अपने पशुओं को चराने लेके आते थे। द विलेज पीपल यूज टू सेंड देयर काउज आउट टू दिस पास्चर टू ग्रेज अर्ली इन द मॉर्निंग। द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज एंड वुड नॉट रिटर्न टिल द लेट इवनिंग। व्हेन इट वॉज टाइम टू रिटर्न ए शेफर्ड बॉय वुड कॉल आउट फ्रॉम द एज ऑफ द पास्चर एंड ऑल द कैटल अलॉन्ग विद देयर काउ herds would gather round him and together they would return homewards. तो क्या होता था, लोग क्या करते थे, कुछ बच्चों के कुछ लड़कों की देख रेख के अंदर अपने पशुओं को चरवाने को भेजते और सुबह के वो पशु चरने गए होते थे और शाम को वो लौटते थे। और कैसे लौटते थे, शाम को वो जो चरवाहा था वो एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ के विसल करता, आवाज़ लगाता और सारे के सारे जो पशु थे वापस घर आने के लिए तैयार हो जाते थे। सच वॉज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉयज इन द विलेज अबाउट उज्जैन। देर वर मैनी ऑफ देम एंड इन द लॉन्ग ईयर्स ऑन द पास्चर दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन। तो इस प्रकार से शेफर्ड चरवाहों की जो ज़िंदगी गुजरती थी और जितने टाइम पशु चरते थे उनके पास बहुत समय होता था उन लड़कों के पास कि वो उस समय के दौरान खेल कूद ले, एंजॉयमेंट कर ले। वन डे दे फाउंड अ प्ले ग्राउंड एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज। द ग्राउंड अंडर द ट्री वाज रफ एंड अनइवन, हियर एंड देयर एंड्स ऑफ ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट एंड इन द मिडल देयर वाज अ ग्रीन माउंड व्हिच लुक्स वेरी मच लाइक जज सीट। एक दिन खेलते खेलते उनको एक ऐसी जगह मिली जहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर जो पत्थर थे वो ऊपर की तरफ उभरे हुए थे और सेंटर में एक पत्थर बिल्कुल इस प्रकार से लगा हुआ था जैसे कि किसी जज की सीट लगी होती है, यानी कि किसी दरबार के जैसा माहौल उनको उस जगह पे मिल गया था। एट लास्ट वन ऑफ बॉयज थॉट सो एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट। आई से बॉयज, ही क्राइड, आई विल बी द जज एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, we will have trials. Then he straightened his face and become very grave to act the part of judge. तभी उन में से एक चरवाहे ने कहा कि मैं इस सीट पे बैठूंगा, मैं जज का रोल प्ले करूंगा, आप सब लोग मेरे पास अपने अपने केस लेके आना, हम लोग यहाँ पे मुकदमे लड़ेंगे और मुकदमे का सही फैसला करने की कोशिश करेंगे। तो उनको खेलने के लिए एक नई जगह एक नया तरीका मिल चुका था। बट जैसे ही उसने ये शब्द कहे उसके चेहरे के ऊपर एक गंभीरता एक सीरियसनेस
आ गई जो कि एक जज के चेहरे के ऊपर होनी चाहिए। और इस चीज़ को उसके साथियों ने भी नोटिस किया कि उस पत्थर के ऊपर बैठते ही उसका जो बिहेव था, उसका जो बर्ताव करने का तरीका था, वो बिल्कुल बदल गया। Others saw the fun at once and whispering among themselves quickly picked up some quarrel and disappeared before him. Each group started their case, one saying that a certain field was there, another saying that it was not so, and they all wanted him to settle this dispute. But now all of a sudden a strange thing made itself felt. The boy who appeared so common before, he sat down the mound, looked so different now. He had become grave and serious, and his tone and manner was so strange and impressive that the rest of the boys were a little frightened. तो फिर दूसरे बच्चों को भी लगा कि ये तो एक बहुत ही enjoyment का बढ़िया तरीका है। वो लोग एक मनगढ़ंत लड़ाई लेकर इसके सामने पेश हुए, उन्होंने कहा, दो ग्रुप बन गए, उनमें से एक ग्रुप ने कहा कि ये खेत मेरा है, दूसरे ग्रुप ने कहा मेरा है, और वो चाहते थे कि वो लड़का इन दोनों की लड़ाई को सुलझा के सेटल करे। और जब उन लोगों ने लड़के को देखा तो वो लोग हैरान थे कि उस पत्थर के ऊपर बैठने से पहले वो साधारण सा उनके साथ खेलने वाला लड़का अब उस पत्थर पे बैठते ही बिल्कुल बदल चुका है। उसके बोलने का ढंग, उसके बैठने का ढंग, उसके शब्दों को यूज़ करने का ढंग बिल्कुल बदल चुका है। और कुछ समय के लिए तो वो बच्चे जो थे, वो लड़के जो थे, वो डर भी गए थे कि ये एकदम से इसके बोलने का ढंग कैसे बदल गया। स्टिल दे थॉट इट वॉज फन, एंड वंस अगेन दे पुट अप अ फ्रेश केस बिफोर हिम, एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट। फिर भी उनको लगा कि इसमें बहुत एंजॉयमेंट है, फिर से वो एक झूठा केस बना के लेके आए और फिर से उस लड़के ने एक सही जजमेंट दे दी। एंड दिस वेंट ऑन आवर्स एंड आवर टुगेदर, ही सिटिंग ऑन द जज सीट लिसनिंग टू द कंप्लेंट एंड प्रोनाउंसिंग इन सेंटेंसेस विद सेम ग्रेविटी टिल इट वॉज टाइम टू रिटर्न। और इस प्रकार से वो पूरा दिन ऐसे ही खेलते रहे जब तक कि शाम को उनका घर लौटने का समय नहीं हुआ। और वो वहाँ पे बैठ के उतनी ही गंभीरता, उतनी ही सीरियसनेस और उतनी ही इंटेलिजेंस के साथ उन झूठी लड़ाइयों का सही फैसला देता गया। एंड देन ही जंप डाउन फ्रॉम दिस पैलेस एंड वाज जस्ट लाइक अनदर कॉवर्ड। और जैसे ही वो उस पत्थर के उतरा, जब उनके घर जाने का टाइम हुआ, तो उसका बर्ताव जो था वो फिर से नॉर्मल हो गया, वो बच्चों वाला दोबारा से हो गया। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स So famous did this cowherd become that all the complicated disputes were put before him. उस जगह से ये इतना फेमस हो गया कि आस पास के गाँव वालों को जब ये पता लगा तो अक्सर वो भी अपने झगड़े लेकर इसके पास आ जाते थे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपन्ड, और हमेशा सेम चीज़ होती थी, जो भी उसके पास अपने डिस्प्यूट लेके आते, ये उन डिस्प्यूट का बड़े ही बेहतरीन ढंग से सही जवाब देता था। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम एंड ही वुड शो देम द ट्रुथ, बट वेन ही सेट डाउन फ्रॉम हिज सीट ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम अदर पर। उसे लोगों को ऐसा लगता था कि ज्ञान और न्याय की जो रोशनी है उस लड़के को उस पत्थर पे बैठते ही उसके अंदर आ जाती थी और उसको सही जजमेंट देने में उसकी हेल्प करती थी। और जैसे ही वो सीट से उतर जाता था, वो फिर से एक साधारण युवक, एक साधारण लड़का बन जाता था। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया है कि किस तरीके से बच्चों को खेलते खेलते एक पत्थर मिला है, और उस पत्थर पे वो किस प्रकार से एक लड़का बैठता है, जज बनता है, और किस प्रकार से उसके अंदर चेंज आते हैं, किस तरीके से वो सही जजमेंट देता है। ग्रेजुअली द न्यूज़ स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, ग्रो अप मैन एंड वुमेन फ्रॉम ऑल द विलेज वुड ब्रिंग दे डिस्प्यूट इन द कोर्ट ऑफ कॉवर्ड बॉयज एंड ऑलवेज दे रिसीव अ जजमेंट दैट बोथ साइड अंडरस्टूड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड। धीरे धीरे करके आसपास के गाँव में ये कहानी जानी फैलनी शुरू हो गई, बड़े लोग भी उसके पास अपने केस लेके आने शुरू हो गए। और अक्सर जैसे वो बच्चों के केसों की सही जजमेंट देता था, वो बड़ों के केसों की भी सही जजमेंट देता देने लगा। और जब भी उसके पास कोई डिस्प्यूट लाया गया, वो उसने दोनों साइडों को संतुष्ट करके सही न्याय प्रोवाइड किया। नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन हर्ड द स्टोरी वेल, ही सेड दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। द किंग्स गेस वॉज करेक्ट एज अ र्यून्स अबाउट द मीडोज वर वंस विक्रमादित्य पैलेस। इफ जस्ट सिटिंग ऑन दैट माउंड brings wisdom and justice to the shepherd boy, he thought, let us dig deep and find the judgment seat. I too shall sit on it and hear all the cases. The spirit of Vikramaditya will descend upon me as well and I shall be just king. तो उज्जैन का उस समय का जो राजा था, उसके अंदर भी एक पुरानी इच्छा थी कि वो भी विक्रमादित्य के जैसे एक महान राजा बने जो हमेशा सही जजमेंट दे। जब उसको ये कहानी पता चली तो उसने कहा कि
ज़रूर वो लड़का, बिना सोचे समझे उसने ये कहा कि ज़रूर वो लड़का जो है वो विक्रमादित्य के सिंहासन पे बैठा होगा। और उसका ये जो अंदाज़ा था वो लगभग सही भी था, क्योंकि जिस जगह पे ये खेलते थे एक समय पे वहाँ पे विक्रमादित्य का महल हुआ करता था, जो कि अब खंडर और वीरान या बर्बाद हो चुका है। इसीलिए इसने सोचा कि क्यों ना उस जगह पे अपने आदमी भेज के खुदाई करवा के उस पत्थर को ढूंढा जाए, और उस पत्थर को अपने महल में लगा के जब वो उसके ऊपर बैठेगा वो भी विक्रमादित्य के जैसा महान जज बन जाएगा, क्योंकि उसको लग रहा था कि उस सीट के ऊपर बैठने से ही वो एक अच्छा जज बन सकता है, विक्रमादित्य उसका अच्छा जज बनने में उसकी हेल्प करेगा। तो अब आगे जाके देखते हैं कि क्या उस सीट को वो हासिल कर पाता है, या फिर अगर हासिल कर पाता है क्या उस सीट के ऊपर बैठ के वो एक सही जज बन पाता है। सो विद स्पेड्स एंड शॉवल्स द ग्रासी नॉल वेयर द बॉयज प्लेड वॉज ओवरटर्न्ड, द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज वॉज सॉरोफुल, ही फेल्ट दैट समथिंग वेरी डियर टू हिम वॉज बींग टेकन अवे। तो उसने अपने आदमी भेजे, उन्होंने वहाँ पे खुदाई की जहाँ पे बच्चे खेला करते थे, जिस जो बच्चा जज बनता था उसको लगा, वो बहुत उदास था, उसको लगा कि उससे कुछ अपनापन, कोई अपनी चीज़ उससे दूर कर दी गई। एट लास्ट द लेबरर केम ऑन समथिंग, दे अनकवर्ड इट एंड फाउंड ए स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल, श्योरली इट वॉज जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। काफ़ी खुदाई करने के बाद मजदूरों के हाथ, सिपाहियों के हाथ एक मार्बल निकली ब्लैक कलर की, जिसको हर तरफ से 25 स्टोन एंजल्स ने जकड़ा हुआ था, और उन्होंने कहा कि वाकई में पक्के तौर पे ये विक्रमादित्य की जजमेंट सीट ही होगी जिस पे बैठ के वो न्याय अदा करता था। विद ग्रेट रिजॉइसिंग इट वॉज ब्रॉट टू द सिटी एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर फास्टिंग एंड अनाउंस दैट ऑन 4th day ही वुड असेंड थ्रोन पब्लिकली। वो पत्थर को लेके आके उसके अदालत, उसके कोर्ट रूम में इंस्टॉल किया गया, और उसने अपने पूरे राज्य के लोगों को कहा कि 3 दिन तक वो प्रार्थना करे, फास्ट रखें, और फिर 4th day वो उस पत्थर पे बैठेगा अपने सारी प्रजा के सामने, और वो एक अच्छा जज बन जाएगा। एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम एंड क्राउड असेंबल टू द किंग टेक हिज सीट, वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल केम द जजेस एंड प्रीस्ट ऑफ द किंगडम followed the king, then as they reached the seat of judgment they parted into 2 rows, the king walked up in the middle, bowed his head in reverence and went straight into the marble slab। तो अंत में वो दिन भी आ गया जब पूरा प्रजा इकट्ठी हुई थी और राजा ने पंडितों और जजेस की प्रार्थनाओं के बीच में सीट के ऊपर बैठना था। राजा के आते ही पहले उस सीट को नमन किया और फिर उस पत्थर की तरफ जाके, उस स्लैब के ऊपर जाके बैठने लगा। When the king was about to sit on the throne, one of the angels began to speak. Stop, it said, do you think that you are worthy to sit on the judgment seat of Vikramaditya? Have you never desired to rule over kingdom that were not your own? For a while the king could not think of an answer. जैसे वो बैठने लगा, उन स्टोन एंजल में से एक स्टोन एंजल जिंदा हो गई और उसने राजा को वहाँ पर बैठने से रोका और पूछा कि क्या वो अपने आप को उस विक्रमादित्य की जजमेंट सीट के ऊपर बैठने के काबिल समझता है, क्या उसके मन में कभी ये लालच नहीं आया कि जो राज्य उसके नहीं है वो उनको भी जीत के अपने राज्य में शामिल कर ले, या फिर वो अपने राज्य के अलावा भी दूसरे राज्यों के ऊपर राज करने की इच्छा, क्या कभी उसके अंदर ऐसी इच्छा नहीं हुई। फॉर ए वाइल द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर, कुछ समय के लिए राजा के पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं था। क्यों जवाब नहीं था? क्योंकि अक्सर उसके अंदर ये इच्छा होती थी कि वो दूसरे राज्यों को ऊपर भी राज करे जो राज्य उसके नहीं है। ही न्यू हिज लाइफ एज अनजस्ट, आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस ही स्पेक, नो ही सेड, आई एम नॉट वर्दी, गो देन फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, सेड द एंजल, सो दैट यू मे प्योरीफाई यूर सेल्फ एंड बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन। तो राजा को अपनी कमियां पता थी, उसने कहा नहीं, मैं इसके ऊपर बैठने के काबिल नहीं हूं, क्योंकि अक्सर मेरे अंदर ये लालच रहा है कि मैं दूसरे राज्यों के ऊपर कब्ज़ा करके उनके ऊपर राज करूं। तो स्टोन एंजल ने कहा ठीक है, जाओ फिर से 3 दिन के लिए प्रार्थना करो, व्रत रखो, ताकि इस प्रार्थना और व्रत से तुम्हारी आत्मा प्योरीफाई, शुद्ध हो सके, और फिर आके तुम इस थ्रोन के ऊपर बैठ जाना। विद दीज वर्ड्स इट स्प्रेडेड विंग एंड फ्लू अवे, ये शब्द कहने के बाद वो स्टोन एंजल ने अपने पंख खोले और वो आकाश में आलोप हो गई।
द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ विद प्रेयर एंड विद फास्टिंग टू कम अगेन एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेंड अनदर स्टोन एंजल आस्क्ड हिम इफ ही हैड नेवर डिजायर टू पोजेस द रिचेज ऑफ अदर द किंग एडमिटेड दैट ही हैड डन सो एंड देयरफॉर ही वाज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट. तीन दिन के बाद फिर से जब विक्रमादित्य आया तीन दिन की प्रार्थना और व्रत के बाद उसको लगा कि अब उसे उस सीट के ऊपर बैठने दे दिया जाएगा बट जैसे ही वो दे बैठने वाला था फिर से एक स्टोन एंजल जिंदा हुई और उसने फिर से क्वेश्चन पूछा कि क्या कभी उसके अंदर ये लालच नहीं आया कि वो दूसरे राज्यों के खजानों को या दूसरों की प्रॉपर्टियों को अपनी प्रॉपर्टी या अपने खजाने में ना मिला ले. तो राजा ने फिर से अपने आप को टटोला, उसने फिर से अपनी खामियों का एहसास हुआ, उसने कहा कि नहीं उसने उसके अंदर ये इच्छा अक्सर रही है और इसीलिए उसको लगता है कि वो इस जजमेंट सीट के ऊपर बैठने के काबिल नहीं है. और फिर से इन दिस वे इस और फिर से उस स्टोन एंजल ने किंग को तीन दिन का फास्ट और प्रार्थना करने के लिए कहा ताकि वो अपनी आत्मा को प्योरीफाई करके. इन दिस वे वेन एवर द किंग ट्राई टू ऑक्यूपाई द थ्रोन ही वॉज क्वेश्चन बाय एन एंजल एंड ही हैड टू विदड्रॉ. दिस वेंट ऑन लास्ट एंजल वॉज लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब. द किंग वेंट नियर द थ्रोन विद ग्रेट कॉन्फिडेंस. ही फेल्ट श्योर ऑफ बींग अलाउड टू टेक हिज पैलेस दैट डे. तो ये प्रोसेस लगभग 100 दिन चलता रहा जब तक कि उस पत्थर के सपोर्ट करती हुई सारी एंजल्स ने उसको रोका, हर बार उससे उसकी एक किसी खामी का एहसास दिलाया, फिर से उसको प्योरीफाई करने के लिए तीन दिन गए और इस बार धीरे धीरे करके वो सारी स्टोन एंजल्स वहाँ से आलोप होती चली गई. अब केवल एक स्टोन एंजल रह गई थी और इस बार किंग को पूरा विश्वास था कि इस बार उसको उस सीट पर बैठने ज़रूर दिया जाएगा क्योंकि अब तो एक ही स्टोन एंजल रह गई है. बट एज ही केम नियर द सीट द लास्ट एंजल स्पोक. आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट ओ किंग. इज़ योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ लिटल चाइल्ड. इफ सो यू आर इनडीड वर्दी टू सिट ऑन दिस सीट. बट फिर से जैसे ही वो बैठने वाला था फिर से उस स्टोन एंजल ने पूछा कि क्या तुम्हारा दिल अंदर से प्योर है, क्या तुम्हारे अंदर से मासूमियत शुद्धता मौजूद है, क्या तुम्हारा दिल उस पत्थर पे बैठने वाले उस चरवाहे बच्चे के जैसा प्योर शुद्ध और मासूम है. अगर वो कहता है कि अगर मासूम है तो तुम इस सीट के ऊपर बैठ सकते हो. नो सेड द किंग वेरी स्लोली नो आई एम नॉट वर्दी. एंड एट दीस वर्ड्स द इंजन फ्लू अप इनटू द स्काई बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड. इस बार उसने बहुत धीरे से जवाब दिया कि नहीं, क्योंकि मैंने तो इस स्लैब के लिए जितनी बार भी आप लोगों ने मुझे व्रत रखने के लिए कहा मेरे अंदर फिर भी लालच रहा है, तो मेरे अंदर प्योरिटी कहाँ से आ गई. उसने एक बार फिर से इनकार कर दिया तो स्टोन एंजल ने अब वो स्टोन एंजल अपन उस स्लैब को लेकर आकाश में उड़ गई. दिस वॉज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर. तो इस तरीके से विक्रमादित्य की वो जजमेंट सीट जो थी इस पृथ्वी से हमेशा के लिए आलोप हो गई. तो लास्ट एंजल ने लास्ट स्टोन एंजल ने उस किंग को लाइफ का सबसे बड़ा रहस्य बता दिया कि हमें बेहतर जज या बेहतर डिसीजन मेकर बनने के लिए किसी जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य की ज़रूरत नहीं है. हमारे अंदर इनोसेंस प्योरिटी होनी ज़रूरी है. जो इनोसेंस प्योरिटी हमारे अंदर बचपन में है वो प्योरिटी होनी ज़रूरी है फिर हमें किसी भी डिसीज़न या किसी भी जजमेंट के लिए विक्रमादित्य की सीट की ज़रूरत नहीं रहेगी. इसीलिए उस सीट के ऊपर दुनिया का शायद कोई राजा नहीं बैठ सकता था जिस पर वो चरवाहा लड़का ही केवल बैठ सकता था क्योंकि वो मासूमियत उनमें किसी उसके अलावा और किसी के अंदर मौजूद नहीं थी. इन द एंड To conclude, the story ends with the statement of last stone angel who flew away with the judgment seat. The 25th stone angel explained the mystery that only who was pure in heart like a little child could be perfectly just. तो last stone angel की statement के साथ कहानी का अंत होता है. उसने जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य जो है वो पोइट को समझा दिया राजा को समझा दिया कि दिल के अंदर शुद्धता और मासूमियत हो तो हम लोग जज बन सकते हैं. उसके लिए हमें किसी जजमेंट सीट की ज़रूरत नहीं है. विक्रमादित्य किसी जजमेंट सीट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब विक्रमादित्य बैठता था तो उसके नीचे थोड़ी ना किसी और की सीट थी. वो उसके अंदर की मासूमियत वो उसके अंदर की प्योरिटी थी जो उसको गाइड करती थी सही डिसीजन लेने के लिए. ए चाइल्ड इज़ सेट टू बी अ सिंबल ऑफ गॉड.
एक बच्चे को हमेशा भगवान का प्रतीक माना जाता है, और ये माना जाता है कि भगवान शुद्ध है, भगवान इनोसेंट है, भगवान प्योर है। इसीलिए जो शुद्धता, जो प्योरिटी एक बच्चे के अंदर है, वो किसी ग्रोन अप के अंदर नहीं हो सकती। हिज हार्ट इज़ ऑलवेज प्योर एंड कंसाइंस क्लियर, उसका दिल हमेशा साफ होता है, उसके मंशा में कभी भी दोगलापन नहीं होता है। ए चाइल्ड इज़ फार अवे फ्रॉम सेल्फिशनेस एंड बिट्रेयल, एक बच्चा धोखे और मतलबीपन से दूर होता है। यहाँ पे राजा के अंदर धोखा और मतलबीपन था, उसने धोखा दिया बच्चों को, मतलबीपन था उस सीट के ऊपर बैठना कि मैं दुनिया में पॉपुलर हो सकूं, बट उस बच्चे के अंदर ये दोनों क्वालिटीज़ नहीं थी, उस बच्चे के अंदर इनोसेंट प्योरिटी थी। दैट वॉज वाई द शेफर्ड बॉय कुड सिट वेयर नो किंग इन द वर्ल्ड माइट कम ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, यही कारण था उस सीट के ऊपर वो लड़का बैठ सकता था जहाँ पे दुनिया का कोई और राजा नहीं बैठ सकता था। क्यों? क्योंकि उस लड़के के अंदर वो इनोसेंस, वो प्योरिटी मौजूद थी जो एक सही जज होने के लिए, जो एक डिसीजन मेकर होने के लिए हमारे अंदर होना ज़रूरी है, और वो शायद हम ग्रोन अप्स के अंदर मौजूद नहीं है। इसीलिए इस लेसन का क्रक्स यही है कि हम लोगों को अपनी बचपन की मासूमियत, प्योरिटी को अपने अंदर हमेशा पकड़ के रखना चाहिए, उसे खोना नहीं चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। Thanks for watching the video. Don't forget to like and subscribe my channel. Click on the bell icon to let the latest updates. और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को शेयर भी कीजिएगा, अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकें।